मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय। यानी इसमें इस वीडियो में आपको जीवन परिचय के साथ साथ लेखक का साहित्यिक परिचय भी पूरा मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्सपी क्लासेस का एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिस पर लाइव क्लासेस चलेंगी, तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि उसका एक निश्चित टारगेट पूरा होने पर आपकी लाइव क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो ये जो चैनल हमने खोला है ये आपके लिए ही खोला है, इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं और इसको सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये जो नया चैनल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हालांकि मैं पहले इसका आपको संक्षिप्त में परिचय दे दूं, जीवन परिचय और प्लस साहित्यिक परिचय दोनों, फिर इसको विस्तार से बात करते हैं। तो इनका जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। पिता का नाम इनके पंडित रमादत्त मिश्र था। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का स्वाध्याय किया, यानी घर में ही इन्होंने इन भाषाओं का अपने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लेखन विधा की अगर बात करें कि इन्होंने अपनी लेखनी कहाँ कहाँ चलाई, तो रेखा चित्र भी लिखे, संस्मरण लिखे, निबंध लिखे। भाषा की बात की जाए तो इनकी जो भाषा रही वो तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्य खड़ी बोली रही। अब तत्सम प्रधान कहने का अर्थ क्या है इसको समझ लें कि वह भाषा जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाए। तत्सम वे शब्द कहलाते हैं, जैसे आँख को हम हिंदी में हम आँख बोलते हैं, यानी तद्भव में हम उसको आँख बोलते हैं, लेकिन जो उसका तत्सम होता है वो होता है अक्षी। जैसे दूध का तत्सम होता है दुग्ध, वैसे ही, यानी वो भाषा, वो साहित्यिक खड़ी बोली जिसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हो, इसलिए वो तत्सम प्रधान भाषा हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी शैली की। तो भावात्मक शैली भी लिखी, वर्णनात्मक शैली भी लिखी और नाटकीय शैली। यानी शैली लिखी होने का अर्थ ये है कि इस शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, भावात्मक शैली में भी लिखी, वर्णात्मक शैली में भी लिखी और चित्रात्मक शैली में, और नाटकीय शैली इनकी मूल विशेषता रही। अब साहित्य में पहचान के बारे में अगर बात करें तो इनको पत्रकार के रूप में और साहित्यकार के रूप में साहित्य जगत में जाना जाता था। साहित्य में स्थान, अगर साहित्य में स्थान के रूप में इनको देखें तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। 1995 में इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय की और साहित्यिक परिचय की विस्तार से, तो आप इसको सुने या फिर आप इसको लिख लें, जैसा भी आप उचित समझें, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखें, क्लियर हो जाएगा। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर की एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चूंकि इनके जो पिताजी थे वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इसलिए इनकी घर की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, यानी कोई विशेष इनकम नहीं थी, इस कारण से इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। तो इन्होंने स्वाध्याय से ही, यानी घर में ही अपना सेल्फ स्टडी करके हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का खूब अध्ययन किया और उन पर महारत हासिल की। अब कुछ समय तक ये खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो मैंने जीवन परिचय और शिक्षा इनकी दोनों आपको बता रहा हूँ। अब वहीं संस्कृत पाठशाला में ही उस समय एक राष्ट्रीय नेता थे आसफ अली नाम के, जिनका इन्होंने व्याख्यान सुना, भाषण सुना, तो से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने निश्चय किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने का, और ये कूद भी गए। कहने का अर्थ है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग इन्होंने लिया, देश को स्वतंत्रता दिलाने में। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने फिर पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया, यानी पत्रकारिता में इन्होंने अपना जो बाकी का जीवन है फिर पत्रकारिता में लगाने का निश्चय किया। अब इसके अतिरिक्त इन्होंने कई साहित्य लिखे, और वो क्या साहित्य हैं वो मैं आपको अब साहित्यिक सेवाओं के अंतर्गत बता रहा हूँ। तो इन्होंने कई रेखाचित्र लिखे, संस्मरण लिखे और निबंध भी लिखे। अब इनकी मेन कृतियाँ समझिए कि इन्होंने कौन कौन सी इनकी कृतियाँ रही, तो कृतियों पर विचार करते हैं। तो इनके रेखाचित्र पहले विचार करते हैं, तो नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई,
माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये इनके रेखाचित्र थे जो मुख्य थे। हालांकि इनकी 9 ऐसी कृतियां रहीं जिनका प्रकाशन हुआ, यानी ये ग्रंथ इनके प्रकाशित रहे। जो अब लघु कथा की बात की जाए तो इन्होंने आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ये इनका संस्मरण था। अब बात करते हैं ललित निबंध, तो क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनके निबंध थे। संपादन, तो नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना थी महके आंगन चहके द्वार। तो इस प्रकार से ये इनकी कृतियां हो गई। अब बात करते हैं हम इनकी भाषा, तो भाषा में बता चुका हूं तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्य खड़ी बोली। शैली की बात की जाए कि इन्होंने अपनी रचनाएं किन शैली में लिखी, तो भावात्मक, वर्णनात्मक शैली और चित्रात्मक शैली, नाटकीय शैली। नाटकीय शैली इनकी रचनाओं में विशेषता विशेष रही, क्यों? क्योंकि अधिकतर ये किसी भी चीज को लिखते थे उसको एक नाटकीय ढंग दे देते थे, इसलिए इनकी शैली की ये विशेषता रही, नाटकीय शैली। साहित्यिक पहचान, तो साहित्य में इनको एक पत्रकार साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। साहित्य में स्थान की बात की जाए तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय है और साहित्यिक परिचय मैंने आपको दोनों बता दिया। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।